चुनावी सफर पर आज मेरे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ग्वालियर चंबल अंचल क्या मध्य प्रदेश के अंदर एक कहना चाहिए कि पहचान रखने वाले हैं और इस इलाके में महाराज के नाम से लोग उनको पुकारते हैं और देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह बड़ा हुजूम है यहाँ पर स्वागत के लिए। सिंधिया जी देख रहे हैं हम लोग बड़ा उत्साह है लोगों में इस बार और आप बैठे हैं फ्रंट सीट पर ड्राइविंग सीट पर, ऐसा लग रहा है बिल्कुल कि गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है बीजेपी। अरे गाड़ी की रफ्तार ऑलरेडी पकड़ चुकी है, ये जनता की गाड़ी है, जनादेश की गाड़ी है, सेवा भाव की गाड़ी है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी या मध्य प्रदेश सरकार का जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये जनता का अभियान है। सबसे हमारे इस दुनिया में जनता ही हमारी भगवान है, उनका पूजा अर्चना करना, उन्हें प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना, इससे ज़्यादा बड़ा हम लोगों के लिए वरदान नहीं हो सकता। सर पिछली बार इस अंचल में आपका एक चेहरा था, बड़ा चेहरा था कांग्रेस के पास में और हमने देखा था कुछ चेहरे पर भरोसा जो है यहाँ की जनता ने जताया था, इस बार वो चेहरा बीजेपी के पास में है, विश्वास वही जनता का बरकरार रहने वाला है? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार, केंद्र में प्रधानमंत्री जी, प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने 18 वर्ष जनता की सेवा की है, एक एक योजना जो बनी है वो जनता के विकास और प्रगति और उनके उत्थान के लिए बनी है, चाहे वो महिलाओं की योजना हो, चाहे किसानों की योजना हो, चाहे नौजवानों की योजना हो, चाहे एक एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए योजना हो, चाहे शहरी क्षेत्र के लिए योजना हो, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल के साथ ही रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। सर जो वादे हैं, जो बातें हैं, क्या लग रहा है कि जनता किन बातों पर भरोसा कर रही है? 18 साल से बीजेपी की सरकार थी, 2.5-3 साल से आप सरकार में, आपको 20 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए, मैंने आपको 30 साल की उम्र से देखा है। 2003 का मध्य प्रदेश आप और हम याद करते हैं, बीमारू राज्य था। आज डबल इंजन की सरकार ने और मध्य प्रदेश में 18 वर्षों में बीजेपी की सरकार ने जो उत्थान लाया है, और आज मध्य प्रदेश जो देश के हृदय स्थल में है, आज मध्य प्रदेश पूर्ण रूप से भारत के नक्षत्र में नक्षत्र की तरह उभर चुका है, वो सब भारतीय जनता पार्टी के मेहनत, मशक्कत, खून पसीने, योजनाओं के आधार पर संभव हो पाया है। जनता का उत्थान, 9.5 करोड़ हमारी जनता है, बिजली नहीं होती थी, सिंचाई की योजना नहीं होती थी, सड़क नहीं होते थे, गड्ढे होते थे, और आज देखो कैसे नेशनल हाईवे की तरह सड़क बनी है जिस पर हम लोग चल रहे हैं। ग्वालियर से गुना तक, इंदौर तक अटल एक्सप्रेसवे बन रहा है, एक तरफ भिंड इटावा से लेकर मुरैना से कोटा तक, हम लोग ग्वालियर से श्योपुर जो सिंधिया परिवार ने नैरो गेज बनाया था उसे ब्रॉड गेज बनाकर कोटा तक हम लोग ले जा रहे हैं, 4,000 करोड़ की योजना। ऐसा विकास जो कल्पना भी नहीं हुई थी, आज घोषणाएं नहीं, आज केवल शिलान्यास नहीं, लेकिन लोकार्पण की तरफ हम लोग तेजी से बढ़ रहे हैं। सर बार बार जो एक बात कही जाती है, आपके बीजेपी में आ चुके हैं पर लेकिन कांग्रेस के नेता जो बार बार बीजेपी को लेकर आरोप लगाते हैं, सवाल करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर तीन तरीके की भाजपा है, नाराज भाजपा, महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, ये कांग्रेस बार बार इस पूरे मुद्दे को छल रही है। मध्य प्रदेश में तीन तरीके की कांग्रेस है, लूट की कांग्रेस, झूठ की कांग्रेस और भ्रष्ट की कांग्रेस। जो 15 महीनों की सरकार उन्होंने चलाई, जनता उन्हें जान चुकी है, आईना में देखे कांग्रेस, दूसरों पर जो लोग कांच के घर में रहते हैं उन्हें पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, और आजकल पत्थर फेंकने की तो प्रवृत्ति कांग्रेस की बन गई है, चाहे दूसरे लोगों के ऊपर हो, चाहे जनता के ऊपर हो, चाहे देश के नाम पर हो। जो सनातन धर्म पर वक्तव्य दिया जा रहा है, जो भारत के ऊपर विदेश में जाकर वक्तव्य दिया जा रहा है, ये भारत जोड़ो है, ये भारत तोड़ो है जो कांग्रेस करती है, जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की पुरानी प्रवृत्ति रही है भारत तोड़ने की। 45,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन तो चीन को दे दी, दो भाग कर दिए भारत के, ये तो पुरानी प्रवृत्ति जो आज चल रही है। सर भारत वर्सेस इंडिया एक बड़ा मुद्दा जो आपने भारत जोड़ो की बात कही है, कांग्रेस यात्रा तो भारत जोड़ो की यात्रा निकालती है पर लेकिन गठबंधन जो बनाती है उसका नाम इंडिया रखती है। मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहता, ये लोग जान चुके हैं ये 28 दलों का गठबंधन है, क्योंकि देख रहे हैं कि मोदी जी की लहर और 140 करोड़ जनता की लहर आ रही है, लेकिन ये वो नदी का प्रवाह है जिसके सामने कोई बांध बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये जनता का विश्वास, जनता का प्यार, जनता के दिल में जो अमीट छाप प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है, वो दोनों के दिल में अंकित हो गया है। तब का भारत और अब का भारत,
आज G20 चल रही है देश में, पूरा विश्व भारत आ गया है। वासुदेव कुटुंबक का हमारा नारा पूरे विश्व में फैल चुका है। योग आज प्रधानमंत्री के वजह से 130 देश एक साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र में कर रहे हैं। भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है और भारत का तिरंगा को तो चांद पे डाल के गाड़ दिया है प्रधानमंत्री जी ने। सर, वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा मुद्दा है इस समय और उसको लेकर कमेटी भी गठित है। चीजों में मैं नहीं लगना चाहता, मैं तो अपने जमीन पे हूँ और मैं विकास और प्रगति की बात कर रहा हूँ और उत्थान की बात कर रहा हूँ, किसानों, महिला, नौजवानों की बात कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि एक भरोसे की बात होती है, लोग आजकल पार्षद का पद नहीं छोड़ते हैं, आपके कहने पर 17-18 लोग मंत्री और विधायकी ऐसे छोड़कर आगे बिल्कुल एकदम कि जैसे वीर योद्धा हैं जिन्होंने जनता के लिए अपनी कुर्बानी दी है। 19 विधायक और 6 कैबिनेट के मंत्रियों ने, और आज उन्हीं की बदौलत मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्हीं की बदौलत आज सुशासन की सरकार 3 साल से मध्य प्रदेश में चल रही है। शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में जो करिश्मा हुआ है पिछले 3 साल से, कोविड से हमको बचाया है। प्रधानमंत्री जी के साथ मिलके हम लोग सब ने एक टीम एफर्ट के आधार पर काम किया। हम कभी कल्पना कर सकते थे कि एयरफोर्स के C-130J हरक्यूलीज एयरक्राफ्ट ग्वालियर में लैंड करेंगे, टैंकर, ऑक्सीजन के टैंकर लेके रेल से हम वापस लेके आएंगे भरे हुए टैंकर, एक एक अस्पताल में पहुंचाएंगे वैक्सीन, रेमडेसिविर के वैक्सीन एक एक करके एक एक अस्पताल में पहुंचाने का। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ने अपने जान को हथेली पे रख के लोगों की सेवा की है, नंगे पांव घूमे हैं एक एक प्रवासी मजदूर की सेवा करने के लिए। ये करिश्मा से कम नहीं है। जिस देश में 2 वैक्सीन का उत्पादन हुआ है, झोली फैला के हम लोग भीख मांगते थे विदेशी देशों से वैक्सीन के लिए, आज भारत में उत्पादन हो रहा है। और ये I.N.D.IA. कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है, इसमें गाय का मांस है, और वही लोग लग गए लाइन में ठकाठक लाख वैक्सीन लगाने के लिए। उसके बाद ये इन लोगों की प्रवृत्ति है। सर, एक और जो बात कही जा रही है कि बिल्कुल आप जो वादों की बात करें कि कांग्रेस ने वादे पूरे नहीं किए, इस बार फिर से गारंटी लेकर आई है, 5 गारंटी शुरुआत में लेकर आए कमलनाथ जी, उसके बाद फिर 11 गारंटी उन्हें सलामत, कोई व्यक्ति उनकी गारंटी नहीं समझने वाला। शिवराज सिंह जी की लाडली बहना योजना को देखकर नकल कर दिया, 1500 रुपए का ऐलान कर दिया। कितने ऐलान किए थे पिछले बार, अतिथि शिक्षकों का ऐलान किया था, किसान का कर्ज माफ का कहा था, बेरोजगारी भत्ता का कहा था, कुछ किया? इल्ले शून्य। अब जनता उनको जान चुकी है, उनके गारंटियों के आधार पर नहीं होगा। गारंटी है तो केवल एक व्यक्ति की गारंटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की गारंटी। ये सर, पिछली बार कांग्रेस, आप कांग्रेस के साथ में थे, कम मेहनत करनी पड़ी थी कांग्रेस को, इस बार तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी के दौरे तय किए जा रहे हैं अक्टूबर के महीने। पार्टी करे सो करे, मेरी प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी की नहीं है कि दूसरी पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है तो मुर्देबाद के नारे लगाओ और अनेक तरीके से NKN प्रकरण के आधार पर विरोध करो। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को हक है अपनी जनता के समक्ष जाने के लिए। यही कांग्रेस की प्रवृत्ति है कि अपनी लकीर लंबा मत खींचो, दूसरे की लकीर को काटो। ये काटो की सोच उनकी है, हमारी काटो की सोच नहीं है, हमारे बनाने की सोच है और उस पर पूर्ण रूप से हम लग के देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं। सर, ये भीड़ जो दिख रही है सड़कों पर, हम लोग देख रहे हैं कि लगातार लोग निकल कर आ रहे हैं और लग रहा है कि जो एक बात एंटी इनकम्बेंसी की कही जाती थी इतनी लंबी सरकार के बाद में, पर ये भीड़ जो है कैसे देख रहे हैं? ये कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, मैं तो कहूंगा प्रो इनकम्बेंसी है शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति। जो हमारी सरकार की योजनाएं रही है, एक एक व्यक्ति को छूने की योजनाएं रही है, कैसे हो बच्चे, उसी के आधार पर आशीर्वाद जनता के लिए हम लोग खड़े होकर उत्सुक है। राजनेता राजनेता और जनता के बीच नहीं बल्कि एक पारिवारिक नाता, जो एक महल के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है वो लग रहा है कि पूरा एकदम सड़कों पर नजर आ रहा है। सिंधिया परिवार की एक सेवा भाव की विचारधारा है, विकास की और प्रगति की। और अगर मेरे जीवन में कोई भी पूंजी है तो सबसे बड़ी पूंजी मेरे क्षेत्र, मेरे संभाग और मेरे प्रदेश की जनता के साथ जो मेरा दिल का रिश्ता है, वो मेरी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ और उसी के आधार पर मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से हमारी क्षेत्र की और प्रदेश की जनता के लिए समर्पित करता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा नागर विमानन मंत्री और इस्पात मंत्री के रूप में, उसका पूर्ण निर्वाह करने की पूरी कोशिश करूँगा। भविष्य में सर कोई नई जिम्मेदारी देखते हैं आप? अरे भाई, हमारे लिए केवल जनता का विकास और प्रगति हमारा लक्ष्य है। वही मेरी दादी राजमाता साहब का लक्ष्य था, वही मेरे मुझे पिताजी का लक्ष्य था,
वही मेरा जीवन का लक्ष्य है। सर मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा से आप पोस्टर बॉय रहे हैं, कांग्रेस में की बात हो या बीजेपी की बात हो, इस बार भी आप पोस्टर बॉय हैं, पर जो लोग देखना चाहते हैं ना, मैं पोस्टर हूँ और ना मैं बॉय हूँ, मैं तो केवल सेवक हूँ, जनता का सेवक हूँ। विकास और प्रगति की लालसा मेरे मन में है, मेरे दिल में है और उसी पे मैं कार्य करता हूँ। सुबह उठता हूँ या रात को सोता हूँ उसी के बारे में सोचता हूँ। सर एक चुनाव के दौरान एक रूटीन हम लोग जानना चाहेंगे कि जब प्रचार रहता है चुनाव का, अभी एक तरीके से आगाज हो चुका है, तारीख भली ना आई हो, किस तरीके की दिनचर्या आप मतलब सुबह से अगर रहता होगा तो कैसा चलिए पूरा दिन ऐसे ही चलेगा? जब हम चल रहे हैं सर, हम लोग फॉलो कर रहे हैं सर, आपको सेकंड मिलेगा तो एक रोटी आपके मुंह में डाल दूंगा, मैं एक रोटी अपने मुंह में डाल दूंगा, एक रोटी योगेश के मुंह में डाल दूंगा और चलते रहेंगे। ये कारवां है, जुड़ता जाए सो जुड़ता जाए, सबके साथ हाथ मिला के चलते जाओ, सभी की आकांक्षाओं पर खड़े उतरने की कोशिश करो और सबके सपनों को साकार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करो। पर सर बड़ी उम्मीदें रहती है क्योंकि समर्थक कई सारे हैं, चुनाव का समय है, सबको खुश रखना एक बड़ा चैलेंजिंग काम है, चाहे वो टिकट की बात हो, कार्यकर्ताओं को। मैं मानता हूं कि चुनाव शुरू होता है जिस दिन हम जीत के जनता की आकांक्षाओं पर खड़े उतरने की हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा चुनाव हमारा 5 साल चुनाव चलता है, भारतीय जनता पार्टी का सेवा भाव का चुनाव चलता है 5 साल, उसके बाद फिर जनता का आशीर्वाद के लिए हम लोग उत्सुकता से जनता के चरणों में हम लोग समर्पित हैं। देख सकते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ना केवल बड़े बुजुर्ग बच्चे, सभी में बड़ा एक उत्साह का माहौल और बड़ी संख्या में जो स्कूल के बच्चे हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आप देखेंगे कि एक बड़ी बड़ी उत्सुकता और जो आग्रह है लोगों का, जनता का जो आग्रह है, उस आग्रह को स्वीकार करते हुए लोगों के बीच में जाते हुए, बच्चों के बीच में जाते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और आगे ये सफर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ निश्चित तौर पर आगे जारी रहने वाला है और देखेंगे हम कि चुनावी सफर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी व्यस्तताओं के बीच में ये चुनाव का जो दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, एक लंबी चर्चा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हमारी चुनाव के दौरान हुई है और कहना होगा कि मध्य प्रदेश में इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के लिए एक बड़े चेहरे के तौर पर है और इसका लाभ निश्चित तौर पर बीजेपी को मिलेगा जो लाभ 2018 में कांग्रेस ने पाया था। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुधीर डंडोतिया, न्यूज़ 24, ग्वालियर।